इस एपिसोड के शुरुआत में जब शियान अपने कंपनी में आते हुए सुई से बात कर रहा होता है, तभी वो जिंग को देखता है। जिंग इंटरव्यू देने के लिए शियान का कंपनी में आ चुका होता है। जिंग का इंटरव्यू लेते वक्त शियान भी होता है। शियान को देखकर जिंग नर्वस हो जाता है। इंटरव्यूअर जिंग से कहते हैं कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। यही पर जिंग नर्वस हो गया होता है और वो सही से अपना नाम को भी बोल नहीं पाता है। जिंग को देखकर शियान को मिस्टर फैन की सारे बात याद आ रहा होता है और वो जिंग का सीवी देखकर गुस्से से उसका सीवी को टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। ऑफिस आने के बाद शियान सुई को मैसेज करके फिर से यूचांग का प्रोजेक्ट पर काम करोगे कहकर पूछता है। सुई मान जाती है। फिर सुई वीकेंड में शियान के ऑफिस में आती है और वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन शियान अपने काम में बिजी होता है तो वो सुई को नोटिस नहीं करता है। सुई शियान के पास जाकर कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ, तो शियान उसे देखकर कहता है कि तुम साइड में जाकर बैठ जाओ। फिर काफ़ी देर काम करने के बाद सुई बोर होती है और वो शियान के ऑफिस में इधर उधर घूमने लगती है। जब शियान सुई को ऐसे देखता है तो वो कॉल करके मूवी के टिकट्स बुक कर देता है, जिसे सुनकर सुई खुश होती है। इसके बाद शियान सुई के हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाता है। जब ये दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं तो यहाँ पर फियोना भी होती है और वो शियान से पूछने लगती है कि तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे, लेकिन शियान फियोना को इग्नोर कर देता है और सुई के साथ मूवी देखने जाता है। जब वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं, यहाँ पर फियोना भी इनके पीछे बैठती है और शियान से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करूं, लेकिन शियान मना कर देता है। ये सब देखकर सुई जलस हो रही होती है तो वो शियान को अपने हाथ से पॉपकॉर्न खिलाने लगती है। जब मूवी खत्म हो जाता है, सुई और शियान आते वक्त सुई वॉशरूम में जाती है। तभी फियोना शियान के पास आकर सुई के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि सुई काफी सुंदर है, तो शियान कहता है कि हाँ वो सच में बहुत सुंदर है। ये सुनकर फियोना को अच्छा नहीं लगती है। जब सुई वॉशरूम से बाहर आती है तो वो फियोना को देखकर शियान से कहती है कि क्या तुम इसे मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे, तो शियान उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी फियोना सुई से कहती है कि आपसे मिलकर मुझे खुश हुआ और वो सुई से शेक हैंड करने जाती है। तभी सुई जानबूझकर अपने बैग को शियान को देती है और फियोना को शेक हैंड करती है। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। जब शियान और सुई बाहर आते हैं, तब शियान सुई को एक नेकलेस पहनाता है और उसे किस करता है। जब ये दोनों कार में होते हैं, तब सुई को यांग मैसेज करके पूछता है कि क्या कल हम दोनों साथ में खाना खाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सुई मना कर देती है। सुई को मैसेज करते हुए देखकर शियान सुई की फोन को साइड में रख लेता है। सुई अपने फोन को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शियान इसको पकड़ लेता है और आगे जाने नहीं देता है। सुई ऐसे शियान को देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद सुई शियान से बताती है कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तभी शियान सुई को उसकी फोन देता है और उसे बिजनेस ट्रिप के बारे में पूछता है और वो पूछता है कि तुम बिजनेस ट्रिप में किस होटल में रहने वाली हो, तो मुझे उसका एड्रेस भेज दो। तो सुई शियान को एड्रेस सेंड कर देती है। अगले दिन शियान सुई के घर में आता है, तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है। इसके बाद शियान सुई से कहता है कि कल एक मीटिंग है जिसके वजह से मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं फैन से तुम्हें छोड़ने कह दूंगा। ये बात सुनकर सुई सैड होती है। तभी शियान सुई को प्यार से मनाने के लिए आता है। सुई शियान को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अगले दिन जब सुई ऑफिस जाती है तो वह सीयू भी आ जाती है और वो फिर से काम पे ज्वाइन करती है। इसके बाद सुई और सीयू बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं। दोनों इंटरव्यू करने के बाद बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और पिक्चर्स ले लेते हैं और सुई फोटोज को पोस्ट करती है और शियान को भी सेंड करती है। फोटो को देखकर शियान मुस्कुरा रहा होता है।
फिर शियान सुई को कॉल करके, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी वापस आ जाओ। दूसरा और जिंग बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता है तो उसका सीनियर उसे डांटते हैं। घर पर आने के बाद जिंग ड्रिंक करता है और सुई और उसका फोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ क्वीन आती है और जिंग को सुई का फोटो देखते हुए देखकर गुस्से से पूछती है कि आखिर तुम किसको प्यार करते हो। ये बात सुनकर जिंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्वीन ऑफिस से अपना सारा सामान उठाकर जब लिफ्ट में आती है तो लिफ्ट में शियान होता है। शियान उसे कुछ नहीं कहता है और जब शियान पार्किंग एरिया में आ जाता है तभी क्वीन शियान से कहती है कि सुई आपको चीट कर रही है, वो सिर्फ जिंग को पसंद करती है। ये बात सुनकर शियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं सुई को अच्छे से जानता हूँ तो मैं ऐसा कोई भी बात को नहीं सुनूंगा। ये कहकर शियान वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ सुई और शियू बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए होते हैं और यहाँ पर मिस्टर फैन उन दोनों को पिक करने के लिए आए होते हैं। लेकिन सीयू सुई से जाने कहती है। जब सुई वहाँ से जाती है तभी वहाँ यू सीयू को लेने के लिए आता है। सीयू यू को देखते ही यू को हग करती है। फिर दोनों खुशी से वहाँ से जाने लगते हैं। जब फैन सुई की घर के बाहर जिंग को देखता है जो सुई से दरवाजा ओपन करने कहता है, ये देखते ही मिस्टर फैन जिंग को मार कर वहाँ से चले जाते हैं और शियान को ये बात बताते हैं। ए मैसेज देखते ही शियान बिजनेस पार्टनर के साथ का डिनर को आधे से छोड़कर चला जाता है। दूसरा और जब सुई दरवाजा खोलती है तो जिंग अंदर आने का कोशिश करता है लेकिन सुई उससे बात करना नहीं चाहती है। इतने में वहां पर शियान आ जाता है जो सिंह को धक्का देकर सुई को लेकर घर का दरवाजा बंद करता है और वो सडनली सुई को किस करने लगता है। इसके बाद सुई शियान को हग कर लेती है तो शियान सुई से कहता है कि मैं बाहर देकर आता हूँ, कहकर जिंग के पास जाता है और उसे धमकी देता है तो जिंग डरते हुए वहां से जाने लगता है। सुई घर पर बैठकर शियान को इंतजार कर रही होती है तभी शियान वहां आता है। जब शियान सुई का करीब आता है तो सुई पूछती है कि क्या तुम पीकर आए हो। शियान कहता है कि मैं ज्यादा ड्रिंक्स नहीं किया, बस थोड़ी सी किया हूँ। एक कहकर शियान सोफे में बैठ जाता है। इसके बाद सुई शियान का पास आकर उसका चश्मा को निकालने लगती है। तभी शियान सुई को देखने लगता है और उस सुई की नेक पर बैठ करता है और कहता है कि ए मेरा तुम्हारे ऊपर निशाना है। इसके बाद सुई वहां से जाकर शियान के लिए हनी वाटर बनाने लगती है। फिर सुई अपने रूम में जाकर मिरर में उसकी नेक को देखकर मुस्कुराने लगती है।